नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। बड़ी खबर आपको बता रहे, थोड़ी देर में योगी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे, राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। तो योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। चार विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे, तो बीजेपी के दो विधायक मंत्री बनेंगे। एसबीएसपी आरएलडी से एक एक विधायक का सुनील शर्मा, दारा सिंह चौहान मंत्री पद की शपथ लेंगे। ओपी राजभर और अनिल कुमार भी शपथ लेंगे। तो ओपी राजभर परिवार के साथ राजभवन पहुंचे हैं, दारा सिंह चौहान भी राजभवन पहुंचे हैं। तो बीजेपी के दो विधायक मंत्री बनेंगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिन मंत्रियों को शपथ लेना है, जो विधायक मंत्री बनेंगे वो नजर। जब भी सपा बसपा सत्ता में ही लोगों गरीबों को लूटा है। भारतीय जनता पार्टी जब भी सरकार बनती है गरीबों की सेवा करती है, और गरीबों की सेवा करते हैं, कानून का राज रहता है, सभी लोग सुरक्षित रहते हैं, पूरे राज्य के इन्वेस्टर आते हैं, सभी से लोग सुखी रहते हैं, अच्छी सड़कें, अच्छे रोड, एयर कनेक्टिविटी सभी हम लोग देते हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये चार विधायक जो मंत्री बन जाएंगे उनको आप देख पा रहे हैं। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, जो आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। हम एनडीए की तरफ से लड़ते मजबूती से, जितने आएंगे उतने आप मजबूत होते जाएंगे। अच्छा नहीं, उनके पास 70 क्या किया, बहुत लंबा समय था जातियों को। हमारे यहाँ सभी जातियों को सम्मान दिया जाता है और सम्मान के हिसाब से उनको अवसर प्रदान किए जाते हैं। संजय निषाद ने कहा हमारे यहाँ सभी जातियों को सम्मान दिया जाता है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारों विधायक जो मंत्री बनेंगे उनकी तस्वीरें हैं। ओपी राजभर एसबीएसपी के कोटे से मंत्री बनते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा दारा सिंह चौहान, जो कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे, जीतकर विधायक बने थे और फिर से जब बीजेपी में लौटे इस्तीफा देकर दोबारा विधानसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव हार गए, जिसके बाद बीजेपी ने इनको एमएलसी बनाया और अब ये मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आएंगे। तो दो कुर्सियां जो आगे आप देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के लिए लगाई गई हैं। पीछे जो चारों विधायक मंत्री बनेंगे उनकी कुर्सियां हैं। तो आप देख पा रहे हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच गए हैं और अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। थोड़ी देर में राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। 5 बजे का वक्त जो है वो दिया गया था और 5 बजने में अभी 1 मिनट शेष है। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार है और चार विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। जातीय समीकरण को सेट करने की कोशिश एनडीए के द्वारा की गई है। तो पूर्वांचल से 2 चेहरे, पश्चिम से 2 चेहरे जो है इस मंत्रिमंडल का हिस्सा बनेंगे। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ओपी राजभर और अनिल कुमार भी पहुंच गए हैं और इन तमाम लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राजभवन पहुंच गए हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हैं। संजय प्रसाद नजर आए, डीजीपी उनके साथ में नजर आए हैं। अवनीश अवस्थी जो कि मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, स्वतंत्र देव सिंह कैबिनेट मंत्री हैं, ये सभी पहुंच रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार का कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है और ये तमाम जो चेहरे हैं वो मंत्री बनते हुए नजर आएंगे। और आपको बता दें पश्चिम में प्रभाव है अनिल कुमार का, मुजफ्फरनगर सीट से विधायक चुनकर आए थे। सुनील शर्मा साहिबाबाद से विधायक चुनकर आए थे, सबसे बड़ी जीत उन्होंने हासिल की थी और इन दोनों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो शुरू होने वाला है अब से कुछ देर में, कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। सभी जो अतिथि हैं वो पहुंच चुके हैं जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं।
वक्त राजभवन के अंदर मौजूद हैं। साथ में वे चारों विधायक जिनको आज मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, वो चारों नेता भी इस वक्त राजभवन के अंदर पहुंच चुके हैं। और देखा जाए तो सिर्फ कुछ ही मिनटों में शपथ ग्रहण का जो पूरा कार्यक्रम है वो शुरू होने वाला है। देखिए ये जो विस्तार है, चूंकि योगी 2.0 का ये पहला विस्तार है, ये इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि ये बहुत पहले से संभावित था। इसलिए संभावित था कि जब दारा सिंह चौहान की बीजेपी में वापसी हुई थी और ओपी राजभर बीजेपी के साथ आए थे, तभी से ये कहा जा रहा था कि इन दोनों नेताओं को एक बार फिर से कैबिनेट में जगह मिलने वाली है। और कई मौकों पर तो खुद ओपी राजभर ने कहा कि मैं बहुत जल्द मंत्री बनने वाला हूं। हालांकि विस्तार को टाला गया, लेकिन अब लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, चूंकि देखा जाए तो कुछ ही दिन में आचार संहिता भी लगनी है, तो उससे पहले ही ये विस्तार किया जा रहा है। और देखिए इस विस्तार के जरिए कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की भी कोशिश है बीजेपी की, चूंकि बीजेपी जब भी कोई विस्तार करती है तो उसके पीछे वजह होती है और कहीं ना कहीं जो तमाम समीकरण होते हैं सियासी समीकरण उसको भी साधने की कोशिश की जाती है। देखिए जो आज मंत्रिमंडल विस्तार होना है, चूंकि देखा जाए तो इसमें दो जो नेता हैं वो पूर्वांचल से हैं और दो नेता पश्चिमी यूपी से हैं। हालांकि देखिए इस पर बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बार आपको तस्वीर भी दिखा दूं मैं कि राजभवन के बाहर जो हलचल है वो काफी बढ़ी हुई है और जो मंत्री बनने वाले हैं, चूंकि उनके जो तमाम समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि देखा जाए तो ये एक कह सकते हैं कि राजनीति में एक सियासी करियर में कहीं ना किसी को मंत्री बनाया जाता है तो उसके जीवन का तो पूर्ण वो क्षण होता है। तो अब जो तमाम समर्थक हैं वो तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब शपथ ग्रहण का पूरा कार्यक्रम शुरू होगा, चूंकि देखा जाए तो बहुत बड़ा विस्तार नहीं है, सिर्फ चार लोगों को ही आज शपथ लेना है, तो माना जा रहा है कि 15 से 20 मिनट का ये पूरा कार्यक्रम होगा। और उसके बाद शपथ ग्रहण के बाद तमाम जो मेहमान होंगे वो यहां से रवाना होंगे, चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, दोनों डिप्टी सीएम की बात करें या जिन्हें मंत्री। बिल्कुल अविनाश, रोकना चाहूंगा आपको, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच गए, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की राज्यपाल वो भी नजर आ रही हैं, और पीछे वो चारों चेहरे जो आज विधायक से मंत्री बनेंगे। तो बीजेपी के दो विधायक मंत्री बनेंगे और उसके अलावा एसबीएसपी से और आरएलडी से एक एक विधायक मंत्री बनेंगे। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं, राजभवन की तस्वीरें हैं और राष्ट्रगान के बाद ये कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो मंत्रिमंडल का विस्तार, क्या 24 की रणनीति तैयार हो रही है, ये देखने वाली बात होगी। परिवार के साथ ओपी राजभर भी राजभवन पहुंचे और निमंत्रण भेजकर बहुत सीमित लोगों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज स्टेट पर आप देख रहे हैं, चार विधायक मंत्री पद की शपथ लेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम यहां मौजूद हैं और कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। तो ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान, सुनील शर्मा और अनिल कुमार आज मंत्री बनेंगे। अनिल कुमार जो कि आरएलडी के कोटे से मंत्री बन रहे, जिनको स्वतंत्र प्रभार के तौर पर मंत्री बनाया जाएगा और कैबिनेट में दारा सिंह चौहान, उसके अलावा ओपी राजभर को शामिल किया जाएगा। सुनील शर्मा जो सबसे बड़े अंतर से जिन्होंने विधायक बने थे वो, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इनका ये जो इलेक्शन था वो दर्ज हुआ था जिसमें बड़े पैमाने पर उन्होंने वोट हासिल किए थे। तो योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला विस्तार हो रहा है। विधानसभा साहिबाबाद, अब मैं एक एक महानुभाव से निवेदन करूंगा, वो सामने आएंगे और आकर के शपथ लेंगे, माननीय राज्यपाल महोदय से शपथ लेंगे। माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी, मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्य रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना
सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ओम प्रकाश राजभर ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से ससूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री दारा सिंह चौहान जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करने के लिए पधारने का कष्ट करें। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अछूट रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं दारा सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित अथवा या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री अनिल कुमार जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण करनी है तो पधारने का कष्ट करें। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अनिल कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित होगा, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय श्री सुनील कुमार शर्मा जी से अनुरोध है कि कृपया शपथ ग्रहण हेतु पधारने का कष्ट करें। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगा। मैं उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सुनील कुमार शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उत्तर प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो ये वो चारों विधायक जो अब मंत्री बन चुके हैं, आपको बता दें लगातार न्यूज स्टेट ने आपको पहले ही बता दिया था। और अनिल कुमार जो कि आरएलडी के कोटे से मंत्री बने हैं, ओपी राजभर एसबीएसपी से, और उसके अलावा सुनील शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, और दारा सिंह चौहान जो कि बीजेपी के एमएलसी हैं, इनको मंत्री बनाया गया है। अविनाश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार बने हैं। अविनाश, चारों विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है, पोर्टफोलियो के बारे में क्या कुछ जानकारी आ पा रही? देखिए, अभी चारों विधायकों का यानी कि चारों मंत्रियों का अभी शपथ ग्रहण खत्म हुआ है, क्योंकि माना जा रहा है कि जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो एक से दो दिनों में निर्धारित हो जाएगा। हालांकि देखिए, क्योंकि माना जा रहा है कि इस बार चाहे हम दारा सिंह चौहान की बात करें या फिर ओपी राजभर की बात करें, तो काफी महत्वपूर्ण विभाग मिलने की सूचना है। क्योंकि अगर हम पिछले कार्यकाल की बात करें तो पिछले कार्यकाल में ओपी राजभर के पास कैबिनेट तो था, लेकिन चूंकि पिछड़ा वर्ग कल्याण था। हालांकि दारा सिंह चौहान के पास वन और पर्यावरण एक काफी महत्वपूर्ण विभाग हुआ करता था, तो माना जा रहा है कि हो सकता है कि दारा सिंह चौहान को एक बार फिर से वन विभाग में भेजा जा सकता है, उसकी जिम्मेदारी उनको सौंपी जा सकती है। और पहले के मुकाबले, पिछली बार के मुकाबले माना जा रहा है कि इस बार ओपी राजभर को भी काफी महत्वपूर्ण विभाग मिल सकता है। हालांकि जो दो मंत्री और बनाए गए हैं, तो माना जा रहा है कि आज कल में जो लिस्ट होगी वो जारी हो जाएगी विभागों की, कि चारों मंत्रियों को कौन कौन सा विभाग सौंपा गया है। चूंकि अब शपथ ग्रहण खत्म हो चुका है, जो तमाम मेहमान हैं वो अंदर राजभवन के अंदर ही मौजूद हैं, खुद सीएम मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम हैं, दर्जनों मंत्री हैं, और साथ में जो चारों नए मंत्री बने हैं वो अभी भी राजभवन के अंदर हैं। हालांकि अब से थोड़ी देर बाद ये जो तमाम मंत्री हैं वो बाहर निकलेंगे, तो उनका बयान भी आएगा। चूंकि जाहिर सी बात है कि एक खुशी का मौका है, और देखिए तमाम जो समर्थक हैं नेताओं के वो भी यहाँ पर जमे हुए। थोड़ा सा आगे आ जाएंगे, किसके साथ आए हैं? हम लोग आए हैं मंत्रिमंडल विस्तार और इसी में आगे देखने के लिए जा रहे थे। मतलब किसी के राजभर जी तो अब तो कैबिनेट मंत्री बन गए राजभर? हाँ बन गए। आप लोगों को क्या लगता है कि इसका असर कितना पड़ेगा आने वाले चुनाव में, खासतौर पर पूर्वांचल के जिलों में? बहुत ज्यादा असर पड़ेगा इसे। किस तरीके का असर? एक माहौल बहुत अच्छा बनेगा, जिससे कि वैसे भी इस समय मोदी योगी का लहर चल रहा है, उसमें और सोने पर सुहागा हो जाएगा। आपका क्या नाम है? गुलजारीलाल चौहान। ओपी राजभर के साथ? जी मैं दारा सिंह चौहान जी के साथ हूँ। दारा सिंह चौहान जी? दारा सिंह चौहान के साथ हैं। आपको क्या लगता है कि दोनों जो नेता हैं, चाहे हम ओपी राजभर की बात करें, दारा सिंह चौहान की बात करें, तो पूर्वांचल से आते हैं, पूर्वांचल में कितना असर पड़ने वाला है इस विस्तार का? पड़ेगा, बहुत असर पड़ेगा इसका। किस तरीके का? हर ढंग से पड़ेगा, जाति और जो सामाजिक ओबीसी के जो वोटर्स हैं उनको बहुत प्रभाव पड़ेगा, वो लोग एकजुट हो जाएंगे, इसका असर पड़ेगा। लगता है कि राजभर और जो चौहान वोटर्स हैं उसमें बीजेपी की साख और ज्यादा बढ़ने वाली है इस विषय? जी मजबूती बहुत है जी। कांग्रेस कैसा होगा अगले लोकसभा चुनाव? बहुत अच्छा होगा सर, 400 के पार होगा। आपकी पूर्वांचल से? जी हम आजमगढ़ जिले से हैं, राम सिंह यादव हमारा नाम है, और ओपी राजभर और चौहान जी के आने से और मजबूती मिली है हम लोगों को। पूर्वांचल में जो नुकसान हुआ था बीजेपी को 22 के विधानसभा चुनाव में, आपको लगता है कि वो भरपाई अब? वो सारी भरपाई अब होगी, और फिर सरकार पुनः केंद्र में मोदी जी की बनेगी। ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान के समर्थक इस वक्त मेरे साथ मौजूद थे, जिनका साफ तौर पर मानना है कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने से पूर्वांचल में जो एनडीए गठबंधन है उसको फायदा मिलने वाला है, खासतौर पर आगामी लोकसभा चुनाव। देखिए अगर 2022 विधानसभा चुनाव की बात करें तो पूर्वांचल के कई ऐसे जिले रहे जहां पर बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई थी, खासतौर पर गाजीपुर की बात करें, आजमगढ़ की बात करें, क्योंकि इन जिलों में राजभर और चौहान जो वोटर्स हैं उनका प्रभाव काफी माना जाता है। तो वैसे में चूंकि आज मंत्रिमंडल में जहां एक तरफ दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर को शामिल किया गया है, तो वहीं पश्चिम के किले को मजबूत करने के लिहाज से अनिल कुमार महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये विस्तार तो चूंकि हो गया है, लेकिन आने वाले समय में आगामी लोकसभा में भी माना जा रहा है कि पूर्वांचल और कुछ खास इलाकों में जहां पर एक जातीय रणनीति के साथ पार्टियां आगे बढ़ती हैं, वहां पर इसका असर देखने को मिलने वाला है। बिल्कुल, तो ये तमाम जो क्षेत्र हैं जहां पर इसका असर देखने को मिलेगा, और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है, दो विधायक जो कि पूर्वांचल से और दो विधायक पश्चिम से, जिनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया। लगातार न्यूज स्टेट आपको वो
तस्वीरें भी दिखा रहा है और जब शपथ ग्रहण हुआ उस दौरान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अगर हम बात करें खासतौर पर मऊ सीट की अविनाश, तो कितना प्रभाव डाल पाएंगे दारा सिंह चौहान, क्योंकि अभी विधानसभा चुनाव में खुद उनकी हार हुई थी। बिल्कुल, देखिए घोसी उपचुनाव में चूंकि करारी हार हुई थी दारा सिंह चौहान की, और देखा जाए तो चूंकि इससे पहले भी वो वहां से विधायक रह चुके हैं, हालांकि मधुबन उन्होंने सीट छोड़कर घोसी से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, लेकिन कहीं ना कहीं एक लोकल स्तर पर दारा सिंह ही होगा और जो पार्टी में सीखा है वही करेंगे। सर, तो आपकी क्या कुछ तैयारी है लोकसभा का चुनाव भी करेंगे? लोकसभा अब की बार उत्तर प्रदेश में 80 हाँ 80 के 80 सर जी। सर, अब तो आपने शपथ भी ले ली, किस तरह का अनुभव है? बिल्कुल अविनाश, आप अपनी बात पूरी करिए। क्षण है मेरे लिए, बहुत खुशी का पल है, मैं धन्यवाद देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के माननीय नड्डा जी, यशस्वी गृहमंत्री माननीय अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और पूरी टीम को मैं तहे दिल से मैं बधाई देना चाहता हूं और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि जिस भरोसे के साथ मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है पार्टी ने, संगठन के लोगों ने, हाईकमान ने, निश्चित रूप से ईमानदारी से उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करूंगा। और फिर सर, अब तो शपथ भी ले ली, किस तरह का अनुभव है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, जो लक्ष्य है गरीबों की सेवा, उस लक्ष्य में हम अनवरत काम करते रहते हैं और उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम सरकार के सभी लोग मिलकर के सरकार पूरी तरह जो भी योजनाएं सरकार की हैं उन गरीब कमजोर के यहाँ तक पहुंचाने का काम करेंगे, उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे, जो भी उनकी समस्याएं होंगी उसका निस्तारण करने का काम करेंगे। बड़ी जिम्मेदारी है इसके साथ ही, अब लोकसभा का चुनाव भी नजदीक आ गया, क्या कुछ लग रहा है? देखिए, देश में लड़ाई नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 7 साल में एक भी दंगे नहीं हुए, कहीं कर्फ्यू नहीं लगा, कानून का राज है, गरीब कमजोर अमन चैन से है। जो पिछली सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार थी उस सरकार से सरकार की गरीब तुलना कर रहा है तो कहता है कि योगी जी की सरकार अच्छी है। 400 के पार करके फिर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। तो अविनाश हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अविनाश, चारों विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है और सरकार को बधाई है और सब कुछ शीर्ष नेतृत्व को बधाई देता हूं कि कम से कम उन्होंने अवसर प्रदान किया और बेहतर परिणाम आएंगे और समाज भी शक्ति के साथ लगे और सारे मंत्री और समाज पूरा एक होके पूरा बल मिलेगा। अब जो मोदी जी का विकास का मॉडल है वो अब 2-4% जो इधर उधर थे वो भी अब सब आ जाएंगे, जो लोग थोड़ा जो भ्रमित करते रहते थे अब विपक्ष की आवाज तुरंत बंद हो जाएगी। खांसी लग रही है, लगातार नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और सीधे तौर पर उनका कहना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अब और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, सभी वर्गों का सहयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, ऐसा आश्वस्त नजर आ रहे हैं तमाम जो नेता हैं। तो अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, बीजेपी के नेताओं की बात करें या फिर एनडीए के जो भी सदस्य हैं वो साफ तौर पर आश्वस्त हैं कि हर वर्ग को, हर जाति को साधने की कोशिश जो है वो एनडीए की रहती है और इसका फायदा जो है वो लोकसभा चुनाव में मिलेगा। देखिए,
देखिए बीजेपी खास तौर पर अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यूपी में एक सधी हुई रणनीति के तहत आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें देखिए सभी तरह के जो सियासी समीकरण है उसको साधते हुए, चाहे वो जातीय समीकरण हो, क्षेत्रवार समीकरण हो, क्योंकि देखिए इससे पहले जो लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा की थी बीजेपी ने, उसमें भी एक कह सकते हैं कि जातीय संतुलन काफी देखने को मिला। और अब जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है, देखिए यहाँ पर जो तमाम समर्थक हैं वो नारेबाजी भी अब शुरू कर चुके हैं, चूंकि जो शपथ ग्रहण समारोह है वो खत्म हो चुका है और जो तमाम नेता हैं यानी कि जो नए मंत्री बने हैं वो अब एक एक कर राजभवन से बाहर निकलने शुरू होंगे। और जाहिर सी बात है कि जो उनके समर्थकों का जमावड़ा है वो फूल मालाओं से अपने नेता का स्वागत करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। हालांकि सबसे ज्यादा जो यहाँ पर समर्थक दिखाई